बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर्स। इन क्वेश्चंस में बताना है कि ग्रेटर कौन है, कौन बड़ा है, दो दो सभी में दिया है, तो हमें कंपेयर करके उनको सिंप्लीफाई करना है और फिर बताना है कि इनमें से ये ग्रेटर है। ये कुछ क्वेश्चंस 5 है मेरे पास, मैंने बोर्ड में लिख दिए, इनमें से हमें बताना है। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर के हैं ये। तो क्वेश्चन 2 to the power 8 और 8 to the power 2 में बताना है कि कौन है। तो सबसे पहले इनको एक्सपेंशन करें। 2 to the power 8 को अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये हुआ कितना, 2 2s of 8 times लिख लो पहले, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना है इसमें, आप 1 2 3 4 5 6 7 and 8 आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है एक्सपेंशन करने के बाद। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128 और 128 को इसमें करोगे 256 something। अगर आपको वन टाइम में नहीं आता तो आप इतना मल्टीप्लाई कर लो, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 16 2s are 32, 16 2s are 32। यहां तक हो गया 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32। अब ये 2 2s are 4, 2s are 8 आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 125, तो 256 आया। अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 256 लिख देना है। 8 to the power 2 है नेक्स्ट, 8 to the power 2, दैट मीन्स एक्सपेंशन करने के बाद 8 8 जा 64, क्लियरली हमको दिख रहा है 256 इज ग्रेटर देन 64। तो यहां पर आप लिख दोगे 2 to the power 8 इज ग्रेटर देन 8 to the power 2। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है 100 square and 200, 2 to the power 100 में कौन ग्रेटर है ये बताना है। तो 100 to the power को अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो इसको क्या लिखूंगा, 100 into 100, यही लिखूंगा बच्चों। अब मल्टीप्लाई 100 into 100 करने में क्या होगा भाई, 1 1s are 1 और 2 2 4 0 लगा दो, जैसा जानते हो 10 का मल्टीप्लाई करने पर 10, 100 मल्टीप्लाई किसी नंबर में करने पर 20, बस राइट में लिख देते हैं। अब यहां 2 to the power 100 को क्या करोगे, होगा परेशानी होगी कि यार हम इसको क्या करें, तो क्वेश्चन को इसको 2 to the power 10 का होल पावर 10 लिख सकते हो। कैसे, मैं इसको कर लेता हूं 2 to the power 10 का होल पावर 10, क्योंकि 100 तक लिखोगे बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो इससे आप एक्सपेंशन करके पता लगा सकते हो कि ग्रेटर कौन है। 2 to the power 10 कितना होता है, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64, 64 2s are 128, 2s are 256, फिर 512 और 1024 होता है। तो 2 to the power 10 का कितना होता है, 1024। अगर आपको नहीं आता है फिर वही केस है, तो आप इसको मल्टीप्लाई 4 4 को कर लो, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, फिर 2 2s are 4, 2s are 16, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 1024 और उसको हम 10 टाइम्स फिर से करेंगे। तो देख लो ये 1000 है, ये 1024 का 10 टाइम्स है, तो भाई ये ग्रेटर होगा 1024 into 10 times, तो कितना ज्यादा हो जाएगा, और ये ओनली कितना है 1000, तो ये तो इसी से ज्यादा है 1024, तो इसका होल 10 पावर तो ग्रेटर हो गई। तो आप लिखो, लिखी हो यहां पे क्लियरली 2 to the power 100 इज ग्रेटर देन 100 to the power 2, बट ये आपको मेंशन करना पड़ेगा 1024 इज ग्रेटर देन 10, मतलब इज होल पावर 10 उसका। तो ये क्लियरली दिख रहा है 1024 इज ग्रेटर देन 1000, तो इसका पावर 100% ग्रेटर ही होगा। नेक्स्ट है फिर 4 to the power 3 और 3 to the power 4, तो 4 को अगर एक्सपेंशन हम इसको करें तो 4 into 4 into 4, That means ये हुआ कितना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। फिर 3 to the power 4 को एक्सपेंड करें तो 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 27 3 जा 81, तो आपको दिख रहा 64 और 81 में कौन ग्रेटर है, 81। तो आप इसमें कंपेयर करना था, तो 3 to the power 4 इज ग्रेटर देन 4 to the power 3।
ओके नेक्स्ट है 5 to the power 3 और 3 to the power 5 में कौन ग्रेटर पूछ रहा, तो एक्सपेंड करें इसको भी 5 to the power 3 दैट मीन्स 5 into 5 into 5 कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 25 5 5 जा 125 और 3 को अगर आप लिखोगे 3 to the power 5 दैट मीन्स 5 times 3 into 3 into 3 into 3 into 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और 81 3 जा 3 1 जा 3 3 8 जा 24 दैट मीन्स 243। तो आप देख रहे हो 243 इज ग्रेटर देन 125 दिख ही रहा है, तो इसमें लिखोगे आप 3 to the power 5 इज ग्रेटर देन 5 to the power 3। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5th, टू द पावर 10 और 10 to the power 2। पावर 10 को 10 टाइम्स अगर मैं लिखूं, अभी जस्ट लिखा हूं यहां पर कितना था 1024, ये 10 टाइम्स लिखो इसको 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना आ रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512 2 जा 1024 आ गया। तो 1024 और 10 to the power 10 कितना हुआ देख लो, 10 to the power 2 10 into 10, ये तो सिंपली अगर हम इसको दिख ही रहा है 10 10 जा 100, तो आप दोनों में कंपेयर कर लो कौन ग्रेटर है, 1024 क्लियरली दिख रहा है हमें, तो लिखोगे क्या 2 to the power 10 इज ग्रेटर देन 10 to the power 2। 8th 7th सभी में ये प्राइम फैक्टर्स को एक्सप्रेस करना है, इवन क्लास 10th का भी पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट एक्सरसाइज यही है कि इसको प्राइम फैक्टर्स में आप फाइंड करो, प्राइम फैक्टर्स में उसको निकालो एक्सप्रेस करो। तो ये क्वेश्चन जैसे इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एलसीएम टाइप में उसको एक्सप्रेस करके निकाल लें, तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 फिर 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 2 1 जा फिर 3 2 जा 6 3 7 जा फिर हो गया 3 9 जा 3 3 जा 1। अब ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको प्रोडक्ट में लिखोगे, प्रोडक्ट में 2 कितने हैं 1 2 3 तो 2 to the power 3 3 3 3 3 कितने हैं 3 to the power 4 प्राइम इन द सेंस आप जानते हो ना प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम 2 होता है, प्राइम जो किसी नंबर में किसी के टेबल में नहीं आते हैं सिर्फ अपने से ही डिवाइड होते हैं, तो वो प्राइम नंबर्स में हमें इसको शो करना था, तो ये 2 की 2 द पावर 3 है 3 to the power 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6480 आएगा, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है 405 यूनिट 5 है, तो आपको मालूम है मैंने बता रखा है कि 5 आएगा तो 100% वो 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा होता है 40 5 1 जा 5 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 3 3 जा आ गया देख लो, ये इसको क्या लिखोगे आप 405 को आप लिखोगे 3 कितने हैं 4 तो 3 to the power 4 into 5 only 1 है, ये आपने एक्सप्रेस कर दिया प्राइम नंबर में। 540 है नेक्स्ट, लास्ट में 0 है तो 2 से भी कैंसिल होता है, तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 बचा 2 7 जा and 2 0 फिर 0 है 2 से कर लो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 लास्ट में 5 है 5 से ट्राई करो 5 2 जा 10 बचा 3 5 7 जा 35 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा अब कितना था ये 540 इसके सामने लिख दो 2 कितने हैं 2 तो ये लिख दो 3 3 कितने दिख रहे हैं 1 2 3 3 1 2 3 ये लिख दो फिर इसमें एक 5 भी है तो इनटू करके 5 इंक्रीजिंग में लिखोगे तो बेटर माना जाता है 2 फिर 3 फिर 5 का। नेक्स्ट है 3600 इसको तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कैसे 36 देखो मैं करके बता रहा हूं यहां पर 6 into 6 इसको करोगे 36 और इसको कर दोगे 10 into 10 100 ही तो होगा। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 into 3 और ये 6 को 2 into 3 10 को आप एक्सप्रेस करोगे 2 into 5 और इस 10 को करोगे 2 into 5 हो गया।
अब इसमें है कितने टू, वन टू थ्री फोर, टू टू द पावर फोर, थ्री वन टू तो थ्री टू द पावर टू, बचा कितना इसमें अभी फाइव, तो फाइव को लिख लो फाइव टू द पावर टू, वन टू फाइव है तो टू कितने हैं, वन टू थ्री फोर लिख दिया, एक्सप्रेस कर दिया, वन टू थ्री है ये कर दिया थ्री टू द पावर टू, फाइव वन टू तो फाइव टू द पावर टू एक्सप्रेस हो गया। ये भी आप अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी एज एलसीएम करके भी कर सकते हो।